वो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो छैनी है ये अपन चीजन से कोई जॉब पर करती कर रहे हैं, कटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, एक तरह से चिप उतार रहे हैं। तो इसमें तीन कोण मेनली काम करेंगे, एक तो बिंदु कोण होता है, पॉइंट एंगल, एक रैक एंगल और एक क्लियरेंस एंगल। तीन पॉइंट काम करते हैं मेनली। ये तीनों कोण एक तरह से जरूरी होते हैं एक कर्तन के लिए। पॉइंट एंगल होता है बिंदु कोण, जो ये वाला कोण होता है यहाँ से ये बन रहा है, ये वाला कोण ये जॉब में कटिंग कर रहा है, मैंने इधर की साइड दिखाया है, ये वाला बीटा से दिखाया हुआ है, इसे बिंदु कोण बोलते हैं। ये क्या है कि किसी भी धातु की कठोरता का कोण चलता है, कठोरता बढ़ती है तो पॉइंट कोण बढ़ता है और कठोरता घटती है तो बिंदु कोण घटता है। ये होता है नीचे वाला क्लियरेंस एंगल, जो यहाँ पर भी ये जो में अगर कटिंग करते हुए दिखा रखा है, इसको अल्फा से दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं क्लियरेंस कोण होता है। ये क्या करता है कि छैनी जो अपना टूल होता है, इसकी जो धार है नीचे से कटिंग करते वक्त उसके बाद में रगड़ खाने से बचाता है, टूल को डैमेज या गर्म होने से बचाता है। उसके बावजूद अगर हम ये तो अपना हॉरिजेंटल प्लेन हो गया और इसको एक वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष देखा जाए, एक वर्टिकल प्लेन मैंने इस तरीके से खींच दिया, इधर ये देख लिया सेटिंग, जो ऊपर वाली पॉइंट कोण है कर्तन धार है उसके और इसके ऊर्ध्वाधर बिंदु के बीच में जो कोण बन रहा है ये रेक कोण होता है, रेक कोण होता है, इसको गामा से दर्शाते हैं, अल्फा से क्लियरेंस एंगल, बीटा से बिंदु एंगल और गामा से रैक कोण। तो ये इधर देखो अवकाश कोण, ये जो नीचे की कर्तन धार से नीचे की साइड बना हुआ है ये अवकाश कोण है, और इसकी जो छैनी की धार है इसके दोनों फेसेस से ये जो कोण बना हुआ है ये कोण, इसको बीटा से दर्शाते हैं और ये पॉइंट एंगल होता है जिसको कर्तन कोण भी कहते हैं। और ऊपर वाले जो कर्तन कोण का ऊपर वाला फेस होता है इसके और ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में, इसके और ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में रैक कोण बनता है जिसको गामा से दर्शाते हैं। अब इसका कटिंग प्रोसेस पढ़ते हैं कि एक एक पॉइंट में यदि क्लियरेंस कोण एंगल या अवकाश कोण बोलते हैं, अवकाश कोण का मान बढ़ाया जाए तो क्या क्या होगा, यदि अवकाश कोण इसका मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा। अब देखो ये अवकाश कोण है और ये इसका झुकाव कोण है, छैनी का झुकाव कोण यहाँ हॉरिजॉन्टल से और छैनी के मिडिल से जो लाइन निकल रही है इससे जो कोण मापते हैं झुकाव कोण बोलते हैं। जैसे अपन छैनी लगाते हैं उसको कितने झुकाव पर चलाना है, इसी झुकाव के अकॉर्डिंग अपनी चिप की मोटाई कंट्रोल होती है। यदि अपन झुकाव कोण को बढ़ाते हैं तो चिप की मोटाई बढ़ती है और घटाते हैं तो चिप की मोटाई घटती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर घटा दिया जाए कि फीस के बराबर है तो ये छैनी फिसल जाएगी। अगर रैक कोण जीरो हो जाता है, तो अपनी छैनी कटिंग नहीं करेगी, छैनी फिसल जाएगी। तो अपन ने क्या किया, सॉरी रैक कोण नहीं, क्लियरेंस कोण जीरो हो जाता है तो छैनी कटिंग नहीं करेगी, फिसल जाएगी। तो क्लियरेंस कोण के बारे में पढ़ते हैं, इसका मान यदि बढ़ाया जाए तो चिप की मोटाई बढ़ती है, यदि इसको घटाया जाए तो चिप की मोटाई घटती है। यह मेरा रैक कोण था, मैंने ऐसे चीजों को पकड़ा, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये ऐसे जाएगा, रैक कोण बढ़ेगा और ये अंदर ज्यादा जॉब के अंदर तक
एंटर करता जाएगा अपना सीजर है जो घुसती जाएगी जॉब में अंदर तक, तो ये कटिंग ज़्यादा करेगी और चिप की मोटाई बढ़ती जाएगी। अगर इसको मैंने घटाया नीचे क्लियरेंस कोण को घटाया तो ये क्या है नीचे की ओर झुकाव जाएगा और ये क्या है कम जॉब के अंदर कम घुसेगी और ये चिप की मोटाई घटती जाएगी। लेकिन एक केस में अगर हम इस रैक कोण को अल्फा इक्वल टू जीरो कर दें, अल्फा इक्वल टू जीरो कर दें तो अपनी चीजें कटिंग नहीं करेगी बल्कि फिसल जाएगी। दूसरा इसके बाद में इसका ज़्यादातर अल्फा का मान, अल्फा जिसको क्लियरेंस कोण बोलते हैं, इसका मान लगभग 10 डिग्री रखा जाता है। 10 डिग्री पर बेस्ट कटिंग करता है, 10 डिग्री के आसपास इसको एडजस्ट करते हैं। दूसरी बात करते हैं झुकाव कोण, इंक्लिनेशन एंगल, जो ये वाला कोण जो छेनी अपने जिस एंगल पर झुकाव झुकी होती है ये यहाँ पे मैंने अच्छे से दर्शाया है, इसको बोलते हैं झुकाव कोण। ये क्या होता है छेनी का अपना रैक और क्लियरेंस कोण को एडजस्ट करते हैं, झुकाव कोण को भी यदि बढ़ाते हैं तो चिप की मोटाई बढ़ती है और घटाते हैं तो चिप की मोटाई घटती है। लेकिन अच्छी चिपिंग के लिए, अच्छी बेस्ट चिपिंग के लिए लगभग इसका कोण 40 डिग्री लेते हैं, लगभग झुकाव कोण 40 डिग्री लेते हैं। लेकिन कुछ धातु हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, हाई कार्बन स्टील के लिए 39.5 डिग्री एंगल लेते हैं, कास्ट आयरन के लिए 37 डिग्री झुकाव कोण लेते हैं और मृदु इस्पात के लिए 34.5 डिग्री लेते हैं, पीतल के लिए 32 डिग्री लेते हैं और तांबा के लिए 29.5 डिग्री और एल्यूमिनियम के लिए 22 डिग्री का कोण पॉइंट एंगल झुकाव कोण लेते हैं। ये जो अपना झुकाव कोण था इस छेनी के मिडिल से लेकर और इस क्षैतिज लाइन तक, जो कि क्षैतिज लाइन तक, इसको झुकाव कोण बोलते हैं। अगर अपना धातु कठोर है, हाई कार्बन स्टील है तो 39.5 डिग्री लेंगे, अगर उससे कम कठोर है, कास्ट आयरन है, 37 डिग्री लेंगे, मृदु इस्पात है 34.5 डिग्री लेंगे, पीतल है 32 डिग्री लेंगे और तांबे के लिए 29.5 डिग्री लेंगे, एल्युमिनियम के लिए 22 डिग्री लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम रैक कोण। ये रैक कोण है जिसको गामा से दर्शाया गया है, ये रैक कोण विपरीत होता है। अगर रैक कोण अपन बढ़ाते हैं तो क्लियरेंस कोण घटता है, क्लियरेंस कोण बढ़ाते हैं तो रैक कोण घटता है। रैक कोण का मान बढ़ाने पर, प्लस करने पर या बढ़ाने पर, रैक कोण का मान बढ़ाते हैं, ये रैक कोण है इसकी इधर की साइड बढ़ाते हैं, इसमें ऊर्ध्वाधर से मापते हैं,
ऊर्ध्वाधर से अपन ड्रैग कोण मापते हैं तो इसका मान इधर की साइड बढ़ाएंगे तो चिप की मोटाई बढ़ेगी, अगर ड्रैग कोण का मान घटाएंगे तो चिप की मोटाई घटेगी, क्योंकि इसको इधर से मापते हैं, इसके और इसके बीच में मापते हैं। ड्रैग कोण, ड्रैग कोण ऊर्ध्वाधर से बनता है, इसलिए इसका मान बढ़ाते हैं तो चिप की मोटाई बढ़ती है और इसको घटाते हैं तो चिप की मोटाई घटती है। इसका मान लगभग लगभग 20 डिग्री रखा जाता है, धातुओं के अकॉर्डिंग लगभग 20 डिग्री इसका मान रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदु कोण की, बिंदु कोण अब बात करते हैं हम बिंदु कोण की, बिंदु कोण की जिसको पॉइंट एंगल बोलते हैं, पॉइंट एंगल, ये पॉइंट एंगल जिसको ये यहां से दर्शाया गया है इसको बीटा से दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं पॉइंट एंगल को, इसका मान, इसका मान 35 से 70 डिग्री के मध्य रखते हैं। यदि यदि अपना धातु धातु मुलायम है, मुलायम है तो कर्तन कोण, कर्तन कोण कम रखा जाता है, और कठोर धातु है, कठोर धातु है तो कर्तन कोण, कर्तन कोण अधिक, कर्तन कोण अधिक रखा जाता है। यदि अपना धातु मुलायम है तो कर्तन कोण कम रखा जाता है, और कठोर है तो कर्तन कोण अधिक रखा जाता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया भी है कि कौन कौन से धातु के लिए कर्तन कोण क्या क्या रखते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, ढलवा लोहे के लिए, ढलवा लोहे के लिए 60 डिग्री, और मृदु इस्पात के लिए, मृदु इस्पात के लिए, मृदु इस्पात के लिए 55 डिग्री, पीतल के लिए 50 डिग्री, और तांबा, सॉरी तांबा के लिए 45 डिग्री, और अपनी जो एल्युमिनियम होती है, एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री। इस तरीके से हम पॉइंट एंगल रखते हैं, ये प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।